Hello friends, I am Himal. We are submitting our project on knee rehab protocol. Knee में जब इंजरी या सर्जरी हो जाती है तो इसके साथ हम लोग को क्या एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जिनको नी इंजरी हुई है या सर्जरी हो चुकी है उनका घुटना थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, जो जमीन से ऊपर रहेगा, या तो वो पैर पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे जो प्राइमरी मसल्स रहते हैं वो प्राइमरी मसल्स इनहेबिट हो जाते हैं। उनका स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, उनका स्ट्रेचिंग बढ़ाने के लिए, उनको वापस नॉर्मल पोजिशन में लाने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हम हेवी एक्सरसाइज उनको नहीं दे सकते, तो ये बेसिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे हम, पहला एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, ये फोम रोलर। फोम रोलर को हमें इस तरह थाइस के नीचे रखना है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसे हमें थाइस के नीचे रखना है, नी से थोड़ा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से नी पेन नहीं होगा। ये रखने के बाद हमें धीरे धीरे अपने पैर को एक्सटेंड करना है, लोअर लेग को ऊपर लेना है, जिसकी वजह से हमारा क्वाड्रिसेप मसल पूरी तरह से ट्रेन हो रहा है, इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है, और फिर अपने टो को अपनी तरफ खींचना है। 5 से 10 सेकेंड हम लोग इसको रेस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करेंगे। अगेन सेम रेपिटेशन करना है, फिर इसको हम लोग ऊपर उठाएंगे, जिसकी वजह से हमारे क्वाड्रिसेप मसल अगेन ट्रेन हो रहे हैं, और फिर टोज को ऊपर अपनी तरफ लेके स्ट्रेंथ वापस रिलैक्स। सेम रेपिटेशन हमें 10 से 20 बार करने हैं, और ये एक्सरसाइज हमें दोनों लेग से करनी है। अगर इंजरी हमारे एक लेग में हुई फिर भी दोनों लेग से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों लेग से मसल का इनबैलेंस हो सकता है। ये मसल बैलेंस करने के लिए हमें ये दोनों लेग से करना बहुत जरूरी है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, जो कि क्यूब बॉल के साथ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्यूब बॉल के साथ एक्सरसाइज कुछ ऐसे किया जाता है, क्योंकि बॉल पंपिंग मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से हम क्यूब बॉल यूज करते हैं। ये बॉल हमें एग्जैक्ट नी के नीचे रखना हुआ है। नी के नीचे रखने के बाद हमें दूसरा लेग जो है वो सपोर्टिव लेग, एज अ सपोर्टिव लेग यूज करना है। इसे उठाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा पेल्विक ऊपर ना उठे, हिप्स ऊपर ना उठे, और ध्यान देना दोस्तों, हमारा हील बिल्कुल भी ना ऊपर उठने पाए। और पेशेंट को हमें इसे प्रेस करने के लिए कहना है। प्रेस करने के बाद इसे 5 to 10 सेकेंड तक हम लोग होल्ड रखेंगे। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद इसे रिलैक्स करना है। अगेन सेकेंड रेपिटेशन, 5 to 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये सेम रेपिटेशन हमें 10 से 20 बार करना है दोनों लेग से। इसकी वजह से हमारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और जल्दी से जल्दी हम इससे रिहैब हो सकते हैं। आगे कैरी करेंगे मेरे फ्रेंड प्रतीक। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक है। जैसे कि हेमंत ने बताया था जो दो एक्सरसाइज है, तो उसी सीक्वेंस में ये तीसरा एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है हिप एडक्टर के लिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज काफ़ी पेशेंट जो है जिनका हिप वीक रहता है, इसके वजह से उनका जो चलने का मूवमेंट रहता है वो बराबर नहीं था, जो कि ऐसे टेढ़े चलते थे। तो इसके लिए हमें हिप एडक्टर है, इसका जो वर्कआउट अपने जो क्लाइंट या पेशेंट है उनको ये वर्कआउट आप दे सकते हो। जैसे कि अभी पेशेंट को स्ट्रेट लाइन मिड लाइन से इसको एक पैर है इसको बाहर की तरफ लेके जाना है एंड वापस से इसको अंदर लेके आना है। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट रहेगा, लाइक दिस इज 1 then 2 3, ऐसे मैक्सिमम रिपीटेशन आप दे सकते हो जितना कि पेशेंट कर सकता है। तो जैसे ग्रेड वाइज जैसे पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, तो सेकेंड स्टेप में हम उनको ये रेसिस्टेंट बैंड है जो कि उनको हम दे सकते हैं। जैसे कि अभी ये पेशेंट के लोअर लेग में हमने लगाया एंड देन पेशेंट को हेल्प करना है ये पैर को उठाने के लिए, एंड देन इसको रेसिस्टेंट बैंड से बाहर की तरफ खींचने बोल रहे हैं, एंड देन अगेन ये वापस से अपनी जगह पे आएगा मिड लाइन पे। अगेन
बाहर की तरफ पुल एंड रिलैक्स। सो इससे जो इससे जो कि अबडक्टर है, अबडक्शन जो मूवमेंट है, ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसके बाद और एक एक्सरसाइज है जो कि वीएमओ और मिडलाइन वीएमओ और इनर मसल, थाई का इनर मसल है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज रहेगा इसमें पेशेंट को जो टो है उसको बाहर की तरफ लैटरली उसको टर्न करना है और इसको 30 डिग्री तक लेके आना है। देन 5 सेकेंड्स इसको होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। अभी इसमें पेशेंट गलती क्या करता है कि जब ये पैर को लिफ्ट करेगा तो वो हल्का सा टिल्ट करता है, नी टिल्ट करता है। तो इससे जो है जो उसको जो स्ट्रेच मिलना है, जो स्ट्रेंथन मिलना है वीएमओ मसल्स में, वो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी क्लाइंट पेशेंट को हम ये वर्कआउट देते हैं तो बाहर की तरफ रहेगा इसका लैटरली और 30 डिग्री तक ये होल्ड करना, ये पोजिशन में ये इंपॉर्टेंट है। ये थी अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। जैसे कि फोर एक्सरसाइज जो थी पहले की वो स्ट्रेंथिंग के लिए थी, लास्ट जो है स्ट्रेचिंग के लिए। अभी काफ़ी जो पेशेंट रहते हैं उनका काफ मसल जो रहता है वो स्टिफ रहता है। तो काफ मसल स्टिफ होने के लिए उनके नी पे प्रेशर आता है। तो इसके लिए हमें पेशेंट को ये जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देनी है जिसमें उनका नी जो है वो 90 डिग्री होल्ड रहेगा, जिससे पेशेंट जो है ये हैंड से ऐसे इस तरफ लॉक करेगा एंड इसको जो है मैक्सिमम हमें ऊपर लेके जाना है जहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट को स्ट्रेच फील हो। जैसे अभी यहाँ पर हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच फील हो रहा है, वैसे टो को अपनी तरफ खींचना है जिससे कि इसका जो काफ मसल है वो स्ट्रेच होगा। सो इसे भी 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, अगेन इसको 5 सेकेंड्स के बाद रिलैक्स पोजिशन पर लेके आना है। इसको पूरा नीचे नहीं रखना है, जैसे ये रिलैक्स पोजीशन का है अगेन इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करके काफ को स्ट्रेच करना है एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। ये मूवमेंट से उसका काफ मसल जो है स्टिफनेस जो है वो स्टिफनेस नहीं रहेगी एंड हैमस्ट्रिंग में भी स्ट्रेंथनिंग होगा। सो ये हमारी कुछ 5 एक्सरसाइज थी जो हमने अभी बताई है। तो ये आप पेशेंट को जिस तरह सिक्वेंस से हमने बताई है उस तरह आप पेशेंट को दे सकते हो उसका जो नी इंजरी है वो रिहैब करने के। Thank you.